नमस्कार, अन्नू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी और अंडे की भुजिया। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने भिंडी लिया है, भिंडी को अच्छे से धो लिया है। अब इसे बारीक काट लेंगे, दोनों साइड के किनारे को हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और भिंडी को काट लेंगे। अपने पसंद से पतला या मोटा काट सकते हैं, हम यहाँ पे बारीक काट रहे हैं भिंडी का भुजिया। सारी भिंडी काट लिया है, दो अंडे लिए हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल में भिंडी का भुजिया बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तेल गरम हो गया है, पचफोरन डाल लेंगे, हरी मिर्च। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, तीखा अपने पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। फोरन जल गया है, कटा हुआ भिंडी डाल लेंगे। बराबर से चलाते हुए फोरन के साथ मिक्स कर लेंगे। उसे कवर कर लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना भिंडी हमारा। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अब देख सकते हैं भिंडी का कलर चेंज हो गया है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसे बराबर से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक। भिंडी के भुजिया लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो भिंडी का भुजिया बनाकर एक प्लेट में निकाल लें, उसके बाद अंडे डालें। मैं यहाँ पे पैन में बना रही हूँ तो एक साइड कर ली हूँ। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें अंडे दोनों फोड़ लेंगे। बराबर से चलाते हुए अंडे को भून लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से भिंडी और अंडे के भुजिया बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ पर भिंडी और अंडे की भुजिया बनकर तैयार है। गैस बंद कर लेंगे, एक प्लेट में निकालेंगे। भिंडी और अंडे की भुजिया बड़े या छोटे को सभी को बहुत पसंद आने वाली है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसे रोटी, दाल चावल के साथ या पराठे के साथ सर्व करें, खाएं, सबको खिलाएं, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ये रेसिपी कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।